बहुत बहुत स्वागत है आपका रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी महोदया आज के इस कार्यक्रम में. यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं. यहाँ उपस्थित सभी बच्चों का और उनके प्राउड पेरेंट्स का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं. आज की ये शाम सास और आवाज़ के नाम है. ये शाम बच्चों के टैलेंट को नमन करने की शाम है. हमारे देश की महान कला और संस्कृति की विविधता और विशेषता को प्रणाम करने की शाम है. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ये पहल कला उत्सव बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ भारतीय वाइब्रेंट कला संस्कृति के प्रति गर्व के बीज बोना भी इसका मकसद है. मैं एक छोटा सा कपलेट बोलने के बाद मैं आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगी कि तुम ही आज सभी बच्चे यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे कहना चाहूँगी कि तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के. तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के. जन गण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है. थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है. थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है. आप लोग जानते हैं बच्चों, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, शुभ शुरुआत, तो हमारे यहाँ मणिदीप को जलाने की परंपरा रही है. तो मैं निवेदन करूँगी रिस्पेक्टेड श्रीमती रीना रे से और हमारे जूरी मेंबर्स से कि कृपया मंच पर पधारें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें मणिदीप को प्रज्वलित करके. Mrs. Reena Ray to kindly stay by. और मैं निवेदन करना चाहूँगी डायरेक्टर NCERT प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति आपसे. हमारे यहाँ अतिथि सत्कार के संस्कार बहुत पुराने हैं. अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए मैं निवेदन करती हूँ डायरेक्टर NCERT आपसे कि कृपया हमारे चीफ गेस्ट महोदया का स्वागत करें.
Thank you, madam. Thank you. और अभी आपने देखा इतने सारे जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों के यहाँ पर चाहे साउथ है नॉर्थ है तबला भी आप देख रहे हैं पखावज भी देख रहे हैं मतलब इतना बड़ा हमारा देश है इतनी सारी विविधताएं हैं लेकिन सारे लोग एक सुर में मिलकर जब बजते हैं तो हमारे देश की विविधता में एकता के स्वर गूंजते हैं ये आपने देखा तो इन बच्चों जो अलग अलग भागों से पधारे हुए हैं आप सभी के इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और आई विल अगेन रिक्वेस्ट डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी से कि सबसे पहले स्वागत भाषण से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे यहाँ जैसा कि मैंने कहा है स्वागत एक बहुत ही पुरानी परम्परा है तो अभी यहाँ पर सारे देश से स्टूडेंट्स भी पधारे हुए हैं अलग अलग लोग ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि स्वागत भाषण के लिए पधारें ऑनरेबल चीफ गेस्ट मैडम रीना राय सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी Ministry of Human Resource Development, Honorable Members of Jury, Invited Guests, Other Dignitaries, My Colleagues from MHRD, NCERT, KV, Navodaya Vidyalaya, NIUS, NIPA, and other organizations, Media Persons, My dear students and teachers from all over the country, I take this opportunity to welcome you all to this valedictory function of Kala Utsav. All of us know this is the fourth Kala Utsav we are organizing here in Delhi. We have already conducted three. That all of you know, first we initiated in Delhi, second also in Delhi, third one in Bhopal, fourth one in Delhi. But this Kala Utsav is something unique. This is something different from others. Here, what we have done? We have tried our best to promote our culture, to put lot of importance to our cultural heritage. Along with that, we have tried to identify the individual talents. That is something unique. And the credit goes to our Honorable Chief Guest, Madam Reena Ray. It is her idea that we should promote dance, music, theater, painting. Along with that, we should also identify the individual talent that is the need of our. All of us know we are following National Curriculum Framework 2005. And it has been suggested that we should go beyond textbook. We should go beyond classroom. We should link what is happening outside the classroom with what is happening inside the classroom so that we can really help our children in their all-round development. And this Kala Utsav is one of the initiatives in this direction which will really help our children not only to develop their aesthetic sensibility but also it will help in the development of all their innate potentialities. We believe in unity in diversity. That is our strength. For that, we should know the culture of our neighbors. All the children should know the culture of other states. And this is a platform where students from all over the country are participating, exhibiting their culture, their tradition, their value system, their belief through music, dance, painting, and theater. This is really a very good opportunity. And in 21st century,
We want our children should be more creative. Our children should be more innovative. They should develop their critical thinking. They should develop their communication skills. And we are using art as a tool which will help in this direction, which will make our children more creative, more innovative. And this is also another attempt in this direction, so that only we can preserve our culture, we can promote our culture, and we can also help our children in their all-round development so that they can contribute significantly to the society. I'm very happy that the children who have come to this national level celebration, they have participated at district level and state level. It is a big achievement for them. All are winners. Those who are participating in this event, all are winners. You all are the cultural ambassadors, and you have the responsibility to promote our cultural heritage, our value system, our tradition. And I request all of you to give a big hand to the children of this country who have come from different parts of the country to participate in this event. And once again, I welcome our Honorable Chief Guest, Madam Rinare, who has devoted a lot of time for this event. She has keen interest, and she has given us right direction to all of us for effective management of this function. Madam, I welcome you all to this event, and I also welcome all the dignitaries, all the members of jury, and all my colleagues, and the students and teachers to this valedictory function of Kala Utsav. I hope all of you will enjoy this program. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारतवासियों इतनी सारी विविधताएं हैं हमारे देश में रंग अलग भाषा अलग पहनावा अलग बोली अलग धर्म अलग शक्ल अलग अलग खान पान अलग अलग मौसम अलग अलग भूगोल अलग अलग लेकिन सिर्फ एक रंग है जो कभी नहीं बदलता और वो है हिंदुस्तानियत का गहरा रंग और हर भारतीय गर्व से यही कहता है आई एम एन इंडियन मैं भारतीय हूँ इल्म हुनर में आगे सबसे बढ़ा हुआ है पीछे हटा किसी से कब कारवा हमारा क्यों हम डरें किसी से क्यों हम दबें किसी से पर्वत हिमालय सा है पासबा हमारा तहजीब का हमी से सीखा सबक सभी ने गुन गा रहा है क्या क्या सारा जहां हमारा गुन गा रहा है क्या क्या सारा जहां हमारा इसी बात को पूरे जोशो खरोश के साथ उद्घोष कर रहे हैं सारे भारत से पधारे हुए अलग अलग राज्यों के ये बच्चे 35 टीम्स हैं एक साथ स्टेज पर खड़े होकर वाद्य वृंद भी होगा समूह गान होगा हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत होगा मेघालय का खासी होगा पंजाब का लोकगीत होगा कुंकणी होगा और सारे जहां से अच्छा तो होगा ही होगा शर्बरी बैनर्जी इसकी NCERT से हैं वो इनके डायरेक्टर हैं और विनय नेवे योगेंद्र देवरस और रमनप्रीत सिंह असिस्टेंट डायरेक्शन दिया है तो आइए हम सब मिलकर गर्व से इस संगीत को झूम के सुने
dang sawa da de ka pritishnong bakin yes no mar jan mar pa da de ka dor bar ba hale ka de ka dor bar ba la don manu ba yap le si ka de ka kambasa pritishnong ka si ka de ka ni ba shang shitam ka tin ni de ban rang ni de ban tur unong ya lam ho kyu ho kyu ho
भाषाओं के थाट अलग हैं लेकिन एक है सरगम, भाषाओं के थाट अलग हैं लेकिन एक है सरगम, एक है देश एक है हम। ढंग अलग है हर कश्ती का तूफानों में साहिल एक, रोशन रोशन घर की शामें धूप के आंगन छांव है एक, सूरज एक गगन पे अपना एक है अपना पूनम, एक है देश एक है हम, एक है देश एक है हम। सारे लोग मिलकर इन्होंने इतना बढ़िया समा बांधा है। अब आपको हम ले चल रहे हैं सोलो की ओर। एक सोलो लोकगीत प्रस्तुत करने आ रही हैं चंडीगढ़ की हर सिमरन, जो कि पंजाबी लोक संगीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ की खासियत यह है कि भाषाएं कितनी भी अलग हों, एक हिंदी में कहावत आपने सुनी होगी कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि हर 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर में पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और 10 किलोमीटर में, चार कोस मतलब 10 किलोमीटर में बोली का जो डायलेक्ट है, लहजा है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है विच रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो अब हम चल रहे हैं आपको लेकर पंजाब की ओर, और हर सिमरन आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सोलो गीत प्रस्तुत करेंगी। एक बार अगर बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहें तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ये जो सारे बच्चे हैं ये अलग अलग जगह से पधारे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से पधारे हुए हैं यहाँ पर। दिल्ली में ठंड काफ़ी है लेकिन इनमें उत्साह की और जोश की जो गर्मी है ना, वो इनमें किसी ठंड का एहसास होने ही नहीं देती है। तो एक बार जोरदार तालियां इन्हीं बच्चों के हौसले के लिए। होते जिसे बूटी लाई
सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, ये सभी डायनामिक नहीं है, ये डायनामाइट हैं। अपने परफॉर्मेंस का ये जो धमाका कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगला धमाका करने के लिए जो आ रहे हैं, आप सभी बच्चे जो यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनके हौसलों के लिए मैं यही कहूँगी कि कभी महक की तरह हम गुड़ों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएँ की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और अब हम नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं। साउथ का संगीत सारे विश्व में जिसकी गूंज, कहते हैं कि सरहदों को पार करके, सात समंदर को पार करके हमारे देश का जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, इस वक्त कर्नाटक संगीत की बात कर रही हूँ मैं, वो पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर चुका है। और यहाँ पर ये हमारे जो पूरे जोश के साथ में, जश्न और तशन के साथ में कर्नाटक से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो कर्नाटक संगीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इनके लिए यही कहूँगी जो बच्चे हैं कि आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है, चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है। आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है, चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है। रोम रोम में भरा पसीना, वाणी में विज्ञान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। तो अपनी वाणी में ये संगीत लेकर फिलहाल आए हुए हैं कर्नाटक से हमारे कुछ नन्हे नन्हे दोस्त, आइए सुनते हैं। mm-hmm.
Govinda Gokula Bala
बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध तमिलनाडु से हैं ये जिन्होंने बहुत खूबसूरत कर्नाटक संगीत से हम सभी को जादू से इस माहौल को भर दिया बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि संगीत जो है वो एक भगवान की पूजा की तरह है एक इबादत की तरह है कितनी तल्लीनता से इन्होंने गाया इस बात को हम सभी ने महसूस किया और अब हम फिर से उसी बात की ओर चल रहे हैं विविधता में एकता की ओर जिसमें अलग अलग स्टाइल के डांसेस अब आपके सामने अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे बच्चे प्रस्तुत करेंगे लय के माध्यम से ताल के माध्यम से एक्सप्रेशन के माध्यम से इसको डायरेक्ट किया है चंद्रमणि ने जो कि नेशनल बाल भवन से हैं और असिस्टेंट जो डायरेक्ट किया है वो है निकेतिका और पायल की जो आप आवाज़ सुन रहे हैं उससे आपको बिल्कुल एहसास हो रहा है कि यहाँ पर क्या समा बंधने वाला है तो इसके पहले कि ये बच्चे यहाँ पर कुछ दिखाएं इन सभी बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं इनके लिए कहूँगी कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में उठो उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में हमारे देश के बच्चों में ये ताकत है और एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी बच्चों के लिए जो डांस के अलग अलग स्टाइल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे Sagama bani zaga zaga,
ये परफॉर्मेंस था या सर्कस था, नृत्य संगीत था या जादू था, विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे देश के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं। बहुत एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। एक्चुअली मैं इन लोगों को चैलेंज करने वाली थी कि बच्चों आज आप लोगों का परफॉर्मेंस है, जरा ध्यान से, हाँ परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना, परिंदे हौसला कायम उड़ान पे रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना, बुलंदियाँ तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना। लेकिन इन्होंने तो आसमान से भी ऊंचा उड़कर दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और अब हम लेकर आ रहे हैं गोवा की तरंगे और वहाँ की मस्ती, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लेकर आ रहे हैं गोवा के साई वाजे। वहाँ की मस्ती और धूम तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी वहाँ के बच्चे पारंगत हो सकते हैं, इसकी मिसाल है साई वाजे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां साई के लिए। आज भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत आपने सबकी एक मिसाल देखी, और अब यहाँ पर साई अपनी खूबसूरत आवाज़ और सुर के जादू के साथ।
बच्चों संकल्पों के साधक हो तुम साहस भरी उड़ान हो, संकल्पों के साधक हो तुम साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का तुम ही हिंदुस्तान हो, महावीर हो बुद्ध तुम्ही हो पंच तत्व के ज्ञाता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। और अब हमारे ऋतिक गुप्ता राजस्थानी लोकगीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ऋतिक गुप्ता के लिए एक बार जोरदार तालियां यहां से लेके वहां तक। अब शास्त्रीय संगीत हो गया, लोक संगीत की ओर चल रहे हैं, ये अलग अलग फ्लेवर और कलेवर यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं संगीत के, सुर के और नृत्य के। तो ऋतिक गुप्ता पूरी तरह से तैयार है आप में अपने सुरों का जादू बिखराने के लिए, सुरों की खुशबू बिखराने के लिए। हले हले I'm
घंटियों की गूंज जैसे कानों तक पहुंचती है, घंटियों की गूंज जैसे कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। घंटियों की गूंज जैसे कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। अब इसे देखो, इसे क्या नाम दें, अब इसे देखो, इसे क्या नाम दें, ये बेल कलूगी थी आज शानों तक पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, आपने बहुत ही खूबसूरत गाया। और अब 12 से लेके 15 तक जो हमारा कला उत्सव का यहाँ पर समा बंधा था दिल्ली में, इस पर अब हम एक नज़र डालते हैं। एक फिल्म आपको दिखा रहे हैं जो कि बाय द स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म एंड जर्नलिज्म एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी देन है और सबसे बड़ी हमारी संपत्ति यही है, जो छात्रों को अच्छे, उनका जो ऑप्टिमम विकास हो सकता है हर एक के व्यक्तित्व का, वो होगा।
मेस्मराइजिंग मैजिक अभी आपने देखा, परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं, हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। जानते हैं बच्चों, जितनी मेहनत से आपने परफॉर्मेंस दिया है ना, उतनी ही मेहनत लगती है दिल पर पत्थर रखकर जजेस को निर्णय लेने में, क्योंकि सारे आइटम, सारे जो आपने परफॉर्मेंसेस किए वो बेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें से भी सुपरलेटिव बेस्टेस्ट ढूंढने के लिए बहुत कड़ा जिगरा रखना पड़ता है, और ये काम किया है हमारे जजेस ने, हमारी जूरी ने, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। तो हम सभी जो हमारे जूरी हैं उनको एक तो मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दूसरा, इनके बारे में अगर मैं परिचय कराना चाहूँ, ये सभी देश के ऐसे जाने माने लोग हैं, क्योंकि चांद और सूरज को परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो उस बुलंदी पर होते हैं जहाँ से वो अपनी रोशनी, अपना जलवा खुद ब खुद बिखेर देते हैं। ऐसे हैं हमारे जूरी मेंबर्स, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि भला मैं इनका तारुफ कराऊँ क्या तुमको, तारुफ का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, भला मैं इनका तारुफ कराऊँ क्या तुमको, ये तो फूल हैं, खुशबू से जान लो इनको। मैं एक एक करके आपको इनवाइट करूंगी, और मैं सबसे पहले तो हमारी जो चीफ गेस्ट हैं रिस्पेक्टेड श्रीमती रीना रे, आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर पधारें। डायरेक्टर NCERT प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, आप भी पधारें। मनीष गर्ग जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और RC मीना जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें। और हमारे जितने भी यहाँ जूरी मेंबर्स हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वो जिनका हमें नाम लेते जाऊं वो प्लीज़ मंच पर पधारे, और हम उनका फेलिसिटेशन करना चाहते हैं, उनका उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक तरह से। जूरी ऑफ डांस, सबसे पहले रिस्पेक्टेड मिस नलिनी, कथक में जिन्होंने महारत हासिल की हुई है और उन्होंने जूरी में अपना निर्णय भी दिया। रिस्पेक्टेड श्रीमती गीता चंद्रन, भरतनाट्यम में जो पारंगत हैं। प्रोफेसर रिस्पेक्टेड महुआ मुखर्जी, गोंदिया नृत्य। और इनका शॉल से अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे जूरी रहे उनके लिए रिस्पेक्टेड श्री चेतन जोशी जी को उनको ज़रूरी काम से जाना पड़ा। रिस्पेक्टेड पंडित भारत भूषण गोस्वामी सारंगी पर जिनका हमेशा नाम आपने सुना है। प्रोफेसर रिस्पेक्टेड हरविंदर शर्मा सितार में जिनकी महारत हासिल है, उनसे निवेदन करूँगी कि मंच पर पधारें। पेंटिंग में जिनका नाम आपने सुना होगा, श्रीमती संगीता कुमार मूर्ति, प्रोफेसर महेश सी शर्मा, प्रोफेसर राजीव लोचन। और तालियों से इनका अभिनंदन आपकी तरफ से हो तो और भी ज्यादा हम सबको गर्व की अनुभूति होगी।
और अब बारी आती है वोकल की, तो प्रोफेसर मणिकंदन कर्नाटक म्यूजिक में, और फोक म्यूजिक के लिए डॉक्टर अनिल सैकिया, उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जो कि ध्रुपद गायन में जिन्होंने उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। ये गुरु हैं, उस्ताद हैं, जो आगे की एक जनरेशन तैयार कर रहे हैं, अपनी जो विरासत है वो हवाले कर रहे हैं आज की यंग जनरेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जूरी मेंबर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। कितना दिल में पत्थर रख के निर्णय लेते हैं ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं जूरी मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और निवेदन करूँगी कि हॉल में तशरीफ रखें। और क्योंकि अब रिजल्ट्स की बारी है, और मैं गुजारिश करूँगी आपसे, रिस्पेक्टेड रीना रे आपसे, डायरेक्टर NCERT आपसे, मनीष गर्ग और RC मीना जी, कि आप लोग मंच पर ही रहें, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और हमारे घबराहट की घड़ियां शुरू। जी हाँ, आप सभी बच्चे धुरंधर हैं, सिकंदर हैं, डायनामिक हैं, डायनामाइट हैं, पर प्रतियोगिता का उसूल है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो चुनना ही पड़ेगा। इसीलिए अब दिल की धड़कनों को थाम कर रखिए, क्योंकि आप किसके नाम के बारे आने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता है। सबसे पहले प्राइज के लिए डांस फीमेल की बारी आ रही है। डांस में थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड जो स्थान ग्रहण किया है वो किया है दिल्ली, क्षमावाणी होजागिरी जिन्होंने प्रस्तुत किया था। क्षमावाणी प्लीज come to this stage and receive the award. Hozagiri, इन्होंने डांस प्रस्तुत किया था, और जैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था उसके हिसाब से आपकी तालियां जो हैं वो मुझे सुनाई नहीं पड़ रही हैं। और जो सेकंड द्वितीय स्थान ग्रहण किया, केरला का मोहनी अट्टम जसनिया जयदीश, और अब आती है बारी विनर की। और जो विनर रहे, फर्स्ट प्राइज जाता है तेलंगाना के कुचिपुड़ी मरगम वैष्णवी। डांस मेल की बारी आ रही है, थर्ड स्थान ग्रहण किया हरियाणवी फोक डांस ने, हरियाणा के कपिल सिंह। दूसरा स्थान ग्रहण किया उड़ीसा के सूर्यकांता प्रधान गोतीपुआ।
फर्स्ट प्राइज ग्रहण किया है. प्रथम पुरस्कार जाता है तमिलनाडु धारिणी बालन के करकटम. पेंटिंग की बारी आती है. फीमेल में तीसरा स्थान लिया है महाराष्ट्र नीलाक्षी सचिन पवार. द्वितीय स्थान मिलता है फीमेल में छत्तीसगढ़ भुवनेश्वरी. तालियां अभी भी इनकी हौसला अफजाई करने में कामयाब नहीं है. उतना जितना इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है उसमें आपकी जो तालियां हैं कंपटीशन में हार रही हैं. पहला स्थान मिला है पेंटिंग में दिल्ली खुशबू शर्मा. मेल में पेंटिंग थर्ड महाराष्ट्र अशोक ओम प्रकाश गुप्ता. दूसरा पुरस्कार मिलता है मेल में दिल्ली में विकास को. और प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश पुनीत कटवाने. अब आती है वाद्य यंत्रों की बारी. सबसे पहले फीमेल में थर्ड प्राइज का नाम ले रही हूं सिया पोता तबला दिल्ली से. सेकेंड प्राइज मिलता है अदिति पोपर सतपुते हारमोनियम पर महाराष्ट्र से. और फर्स्ट प्राइज जीता है पंजाब से जसलीन कौर सितार. वाद्य यंत्र में ही मेल थर्ड प्राइज गोज टू अजय कुमार ढोलक हरियाणा से है ये. सेकंड प्राइज केरला को जाता है अखिल भास्कर एमपी चेंडा इन्होंने बजाया. और फर्स्ट प्राइज के हकदार बने हैं दिल्ली उचित उदय कुमार तबला.
वोकल में फीमेल में थर्ड प्राइज ज्यादा है हिमाचल प्रदेश खुशी कुमारी सेकेंड प्राइज जाता है साई विष्णु वाजे गोवा फर्स्ट प्राइज गोज टू चंडीगढ़ हरसिमरनजोत कौर मेल के लिए यह पुरस्कार थर्ड जा रहा है मिजोरम से सी वनलाल नुंजिरा सेकंड प्राइज जाता है दिल्ली को ऋतिक गुप्ता The first prize goes to the winner is Tamil Nadu, Anirudh Shankar. Theater ke liye manch par bula rahi hu main Dr. D.N. Bhatt. आशुतोष चंदन अजीत कुमार दीप ज्योति अभिषेक देवयान देवनयन नारायण देवनारायण अभिषेक देवनारायण इन्हें थिएटर में पुरस्कार दिया जा रहा है थिएटर के लिए हमारे जूरी इनको हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं जिन्होंने थिएटर में जिनका जाना माना नाम है और जिन्होंने थिएटर कंपटीशन में जूरी का रोल निभाया डॉक्टर डी एन भट्ट आशुतोष चंदन अजीत कुमार दीप ज्योति अभिषेक देव नारायण ये एक्सपर्ट्स हैं थिएटर के जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका इस सपोर्ट के लिए और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में सेक्रेटरी महोदया मौजूद हैं अपने शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ हम चाहेंगे कि इस खुश शुभ मौके पर आप हम सबको संबोधित करें हमारी उत्साहवर्धन करें हमारी हौसला अफजाई करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार एक बार और नमस्कार चलिए आज आप लोग से मिलके इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं पा रहे हैं थैंक यू सो वेरी वेरी मच आफ्टर सीइंग द वंडरफुल टैलेंटेड चिल्ड्रन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ कैन वी ऑल जस्ट क्लैप फॉर ऑल द अमेजिंग चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू एवरीवेयर
Kala Utsav started 4 years ago in 2015. And in fact, it started in Siri Fort. We are meeting now after 4 years. And I'm very happy to say that it has now established itself as an amazing institution to identify talent. To be honest, we never thought that there would be so many wonderfully talented students who would emerge. I think from next year, we will have to add on a few more categories so that all the children from this country can be covered. When we started Kala Utsav, there were many reasons why we did it. Primary was, of course, children should learn about their own country and the dances and the songs and the richness and the magnificence of our heritage. There are very few countries in the world today who can lay claim to the enormous rich culture and traditions which India can. So of course we wanted our children to learn about it, to learn about Ek Bharat, Shreshth Bharat, all the amazing things that are happening in every part of India. But we also wanted children to tap into their hidden talents. There is a life beyond physics, chemistry, and maths. There is a life full of sports, full of games, full of activities, in language, in culture, in music, in dance. And now there are so many opportunities in India for children to take up so many different professions. When I was growing up, there were very few. I think it was traditional doctor, lawyer, engineer, IAS officer. I didn't have much choice. But now children can become singers, they can become song composers, they can write lyrics, they can dance, and they can make a wonderful profession from all of this. So I think what Kala Utsav is gradually doing is to put everything in school education in perspective. So learning is not just about facts and figures. Learning is about having a joyful experience in school, finding your talents, and therefore doing a better job later on. I'd like to thank our amazing jury. They have done an absolutely wonderful work. And my feedback is that you had a very difficult job, as we could see here today. And we hope to make your job even more difficult next year also. Thank you so very much. I'd like to also specifically thank all the officers who worked so hard, but more especially if I could single out two people. Sharbari, where is Sharbari? Sharbari, I can't see you. That is Sharbari, an absolutely amazing woman. And Chandramani, who apparently is not here today. Unke dekhne se bachche log ko pata chal raha hai ki 3 din pehle unhone ek dusre ka chehra tak bhi nahi dekha tha. 3 days back is when the children first met each other, and most of their time went in the competition part. But could you sense that from that absolutely wonderful initial performance with all 72 children over there, and also that dance that we saw later on, which Chandramani and Sharvari put together. And I think it's absolutely wonderful work which you have done. Thank you so very much. To conclude, I'd just like to share a few things which we are working on. It's not only art, culture, music, and dance, but we are also focusing to a very large extent on sports and games, a healthy mind in a healthy body. We hope gradually to have
more competitions, perhaps not just the Federation Games, but in other issues pertaining to sports and games. As I speak, we are also encouraging teachers of schools to participate in competitions. So we have an amazing song competition, singing, on the 18th. This is between the music teachers of Kendriya Vidyalaya schools and Navodaya Vidyalaya schools. We are encouraging the teachers to paint. So there is an exhibition at the Ambedkar Auditorium today of some of the finest paintings by our Kendriya Vidyalaya teachers. We also have a band competition on the 21st of students. And the NCRT organized two very fascinating role play festivals just this fortnight. We have a Bhasha Sangam going on, where we are introducing students to a couple of sentences in the languages which are listed in the 8th schedule. We look forward in the very near future to introducing the much required reforms in the examination system and in the training of our teachers. We expect in 2021 to participate in a major international assessment of students, and we are looking towards bringing in more competency-based assessments and examination in the schools. So we're looking towards joyful learning, but perhaps more productive, more focused, more competency and skill-based learning. It will take us a little while. We're already partly there. We've made enormous, enormous strides. We're using and harnessing IT to a very large extent. The future looks very bright, and it looks bright totally because of you, the officers, the parents, the experts, our academics, everyone else, and most importantly, the students. So we'll meet again next year, perhaps with a couple of more items and more elements also. Until that time, thank you so very much, and I wish everyone the very best of luck. Thank you very much. Thank you. Thank you, madam. आप लोगों से निवेदन है, अभी आप रुके रहिए, राष्ट्रगान भी होगा, लेकिन उसके पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी महोदय श्री आरसी मीना से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप आभार प्रकट करें। It is my privilege to propose a vote of thanks on the occasion of valediction of Kalausa. Now that we are at the end of 3 days of cultural extravaganza of Kalausa, there is an endless list of people who have made their contribution in making this event successful. First and foremost, I would like to express my gratitude to Honorable Chief Guest, Madam Reena Reji, Secretary, School Education and Literacy, for gracing this wonderful occasion of celebrating spirits of participation and togetherness. Ma'am, you have always been source of inspiration for us and always inspiring us to strive for doing the best. I would like to congratulate all the students who have come from the different part of the country and thank them for making this event possible. I also thank to print and electronic media for covering and highlighting this event. A special mention needs to be mentioned to the respective members of the jury and also to the teams of NCRT, National Bal Bhavan, Ministry of Human Resource and Development,
without whose contribution this event could not have been a big success. And lastly, I would like to thank all the officers from the Department of School Education who have spared their time to come to attend this event and to encourage all the students who have come from far off. Thank you so much. Thank you. और आप सभी से निवेदन है कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं मनीषा दुबे आप सभी से अनुमति लेती हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। MHRD के और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से आए सभी ऑफिसर्स, आप लोग